राज्य सरकार की ओर से भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को न्याय उचित ठहराते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी के आधार पर सरकार ने लाभार्थियों के साथ एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत विविध योजनाओं के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद साधा। केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से आज विशेष पैकेज वितरित किए गए, जिसमें नागपुर जिले में अनाथ हुए बालकों की संख्या 79 है। इन सभी बच्चों को 15 लाख के विशेष पैकेज का वितरण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों वितरित किए गए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंत प्रधान नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने लाभार्थियों से संवाद साधा, जिसके बाद योजना की सफलता को लेकर सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री के बीच संवाद हुआ। इसमें विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधि और लाभार्थियों ने भाग लिया। कलेक्टर आर विमला, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुंभेजकर के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया। आपल्या जिल्ह्यात 10,000 पेक्षा जास्त कोविडमुळे मृत्यू झाले। त्या काळामध्ये जे मुलं अनाथ झाली त्यांच्या बाबतीमध्ये प्रधानमंत्र्यांनी उदार अंतकरणातून ही योजना तयार केली आणि त्या योजनेतून आपल्याला हेल्थ इन्शुरन्स पण मिळणार आहे, शिक्षणाची सोय पण होणार आहे आणि पुन्हा एकदा जीवनामध्ये नव्या उमेदीने उभं राहण्याची संधी पण मिळणार आहे। आपण निराश न होता। त्यांच्याकडे पैसे वगैरे नव्हते, आमचं शिक्षण पूर्ण नाही झालं। आता मोदी सरकारने आम्हाला जे दिलं आहे आता शिक्षणासाठीच करायचं आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपूर।